क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यूजिंग द नंबर लाइन राइट द इंटीजर विच इज 4 मोर देन 7। नंबर लाइन की मदद से आपको लिखना है कि वो नंबर जो कि 4 मोर देन है 7 के। तो क्वेश्चन नंबर हम 8 कर रहे हैं और 8 का फर्स्ट पार्ट है 4 मोर देन 7, यानी 7 में 4 ज़्यादा आपको नंबर लाइन से इसका आंसर बताना है। तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, स्टार्टिंग होगी 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। अब नंबर लाइन पे कितना है, 7 है, कितना है 7 है, तो 7 में कितने मोर लेके जाने हैं हमें, 4 मोर मतलब प्लस करना है, 7 में 4 प्लस करना है। तो यहाँ पे एक स्टेप 1, 2, 3 और 4 कितना आ गया, ये 11 आ गया, यानी कि 7 प्लस 4 कितना आएगा 11, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी इस पॉइंट को आप क्या बोल दो, क्यू बोल दो, ये नंबर लाइन पे हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट है आपका 6 मोर देन माइनस 2, 6 मोर देन माइनस 2, माइनस 2 में 6 आपको ऐड करने हैं, माइनस 2 में 6 आपको ऐड करने हैं। तो ये 0, ये माइनस 1 और ये माइनस 2, और माइनस 2 में कितने मोर हैं, 6 मोर हैं आपके, ठीक है। तो माइनस 2 में 6 मोर, माइनस 2 में 6 मोर प्लस करने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो क्या आया आंसर, 4 आया। माइनस 2 में आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो माइनस 2 प्लस 6 कितना आया, 4 आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था फर्स्ट और सेकंड पार्ट। देन थर्ड पार्ट है 3 लेस देन 0, थर्ड पार्ट है आपका 3 लेस देन 0, 0 में 3 कम करने हैं। तो ये 0 हो गया, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, तो ये 0 है, 0 स्टार्ट करें कितने कम, 3, 1, 2 और 3, तो आंसर क्या है, माइनस। तो 0 माइनस 3 इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 3, तो ये आपका सॉल्यूशन इसका हो जाएगा। देन फोर्थ पार्ट है आपका, फोर्थ पार्ट में बोला हुआ है 5 लेस देन माइनस 4, 5 लेस देन माइनस 4, तो ये नंबर लाइन मान लो, यहाँ पे 0, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7, माइनस 8, माइनस 9, माइनस 10, अब कितना है, माइनस 4 है, उसमें 4 लेस करने हैं, यानी 4 माइनस करने हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी माइनस 4 में 5 आपको लेस करने हैं, माइनस 4 में 5 आपको लेस करने हैं, तो ये हो जाएगा माइनस 9, तो आंसर क्या आया, माइनस 9। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। देन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको अच्छे से आपको नोट डाउन करना है, तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं उसके बाद। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको ग्रेटर देन और लेस देन बताना है, क्या बताना है, ग्रेटर देन और लेस देन बताना है। तो फर्स्ट पार्ट है 78 और 85, ठीक है। सेकंड पार्ट है -81 और -45, थर्ड पार्ट है -9 और 7, फोर्थ पार्ट है 0 और -47। तो देखो 78 और 85 में बड़ा कौन, 85, तो ये साइन इस तरह से आपका आ जाएगा, -81 और -45। मैंने पहले ही बताया था, जब भी दो नेगेटिव नंबर कंपेयर करोगे, 0 के सबसे पास में जो नंबर होगा वो सबसे ग्रेटर हो जाएगा, तो 0 के पास में क्या है आपका, -45, तो ये आप वाला आपका -45 ग्रेटर हो जाएगा। -9 और 7 में नेगेटिव नंबर और पॉजिटिव नंबर में से ग्रेटर कौन होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये साइन इस तरफ आपका आ जाएगा। और 0 और -47, अब नेगेटिव और पॉजिटिव में से क्या बड़ा होता है, पॉजिटिव बड़ा होता है, और नेगेटिव और 0 में से 0 आपका बड़ा होगा, तो इसमें ये साइन इस तरफ आपका आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। देन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो एक बार मैं आपको टॉपिक समझ देता हूँ। टॉपिक है इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में,
एब्सोल्यूट वैल्यू, क्या है टॉपिक, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है बेसिकली, देखो यहाँ पर ध्यान से कि कोई नंबर है मेरा ए और उसको मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ये इसका मतलब होता है बार। क्या मतलब, इसका मतलब बार। बार का मतलब क्या है कि बार के अंदर कोई भी चीज़ जाएगी वो पॉजिटिव होकर आएगी, क्या होगी पॉजिटिव, यानी कि अगर कोई भी नंबर है अगर पॉजिटिव नंबर है तो पॉजिटिव ही रहेगा। और मान लो यहाँ पर मेरा माइनस ए है और बार के अंदर है, तो जब मैं बार को ओपन करूँगा तो ये हो जाएगा ए, यानी कि बार का जब साइन आता है एब्सोल्यूट वैल्यू की जब बात करते हैं तो कोई भी अगर नेगेटिव वैल्यू है तो बाहर जब वो आएगी तो कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, तो इसे बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे यहाँ पर देखो ये माइनस टू है, तो जब मैं बार को ओपन करूँगा तो ओपन होने पर ये हो जाएगा टू, क्या हो जाएगा टू हो जाएगा। तो इस तरह से इसको आपको सॉल्व करना है। और फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको, जो टेंथ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जीरो बतानी है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। सेकेंड पार्ट है इसका आपका, इसमें आपको एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है माइनस 45 की। तो मैंने पहले ही बताया था नेगेटिव नंबर जब भी बार के अंदर जाएगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू की प्रॉपर्टी हमें बताती है। थर्ड पार्ट है माइनस 28 बार के अंदर प्लस 16 बार के अंदर प्लस माइनस 37 बार के अंदर। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस 28 जब बार से बाहर आएगा तो 28 हो जाएगा, प्लस 16 पहले से पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, और फिर माइनस 37 बार से बाहर आएगा तो 37 हो जाएगा। इसको ऐड कर लो, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 8 21, 1 कैरी 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8, 81। तो इसका आंसर कितना आएगा, 81 आएगा। थर्ड पार्ट का आंसर हमारा क्या रहा, 81 आ रहा है। देन हम करते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट है आपका, बार के अंदर 23 माइनस 12 बार क्लोज, ठीक है, और प्लस में माइनस 18 प्लस 6 बार क्लोज। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा तो पहले जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे। तो 23 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा, 11 बार के अंदर, प्लस माइनस 18 में से 6 आप करोगे तो माइनस 18, देखो यहाँ पर 18 माइनस 18 प्लस 6, तो 18 में से 6 माइनस किया कितना है 12, देखो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है, तो 18 में से 6 गया 12, 12 लिखो और साइन किसके अलावा, माइनस का। और जब इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 11 प्लस बार जब ओपन होगा तो हो जाएगा 12। तो इसका आंसर कितना है, 23 आपका आ गया। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.1।